राजौरी शहर के पंजा चौक में बीती रात आग लगने का एक वाकया पेश हुआ, जिसमें दीगर सामान के अलावा सड़क किनारे लगाई जाने वाली रेहड़ियों से जुड़ा हुआ सामान भी जलकर खाक में तब्दील हुआ। बताया जा रहा है कि यह पूरा वाकया बीती रात तकरीबन 12 बजे पेश हुआ, जब पंजा चौक के नज़दीक सड़क किनारे एकाएक आग की लपटें नमूदार हुई। मकामी लोगों की तरफ से व खास करके मकामी नौजवानों की तरफ से इस बात की इतला सरकारी अमले को दी गई, जिसके बाद फायर व इमरजेंसी सर्विसेज के फायर टेंडर्स व पुलिस की टीम मौका पर पहुंची और फिर मकामी लोगों के साथ मिलकर आग की इन लपटों पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग के इस वाकये में सड़क किनारे लगाई जाने वाली रेहड़ियों से जुड़ा हुआ सामान व दुकानों के आगे रखा हुआ सामान राख के ढेर में तब्दील हुआ। गनीमत यह रही कि वक्त रहते मकामी लोगों की तरफ से आग लगने के इस वाकये की इतला सरकारी अमले को दिए जाने की वजह से इस इलाका में दुकानें व मकानात को नुकसान ना पहुंचा और वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। इसके साथ साथ बीती रात राजौरी शहर में पुलिस चौकी के अंदर भी आग लगने का एक वाकया पेश हुआ। बताया जा रहा है कि पुलिस चौकी के अहाते में रखे हुए कुछ पुरानी गाड़ियों के सामान में अचानक आग की लपटें नमूदार हुई और देखते ही देखते इस जगह पर रखा हुआ कुछ सामान आग की लपटों में गिर गया। हालांकि मौका पर पुलिस टीम्स ने फायर टेंडर्स के साथ मिलकर फायर फाइटिंग ऑपरेशन चलाया और फिर आग को मजीद फैलने से बचा लिया गया। इसके अलावा भी राजौरी जिला के दीगर इलाकों में आग लगने के कुछ एक वाकयात पेश होने की इत्तलाहात मौसूल हुई हैं। पहले ऊपर वाला मिटा है।